जाने आ गए। मैं चाय बना रहा हूँ। बना लो। सब सब मतलब चरने चली जाती हैं। जो कमजोर कमजोर आखिर में दूसरे पर ऊपर अमर सिंह यादव जी किस जगह स्थित है ये गौशाला? जी ग्राम बरी में स्थित है। बरी में स्थित है। क्या उद्देश्य है इस गौशाला को खोलने का? उद्देश्य यही है कि गौवंश पे ज़्यादा अत्याचार है हिंदुस्तान में। जो भी हमारे देश में आपदाएं आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उथल पुथल हो रही है, शायद यही है कि गौवंश घट रहा है और ये परेशानी हिंदुस्तान में खड़ी हो रही हैं। तो क्यों ना गौवंश को बचाया जाए। गौवंश ही हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। तो जितना हमसे हो पा रहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि गौवंश बचे। शासन से कोई सहायता अभी आपको दी जा रही है? नहीं, शासन से कोई सहायता नहीं है अभी। तो हमारी जो हम लोग मिलजुल के जो सोसाइटी है ऐसे करके। किस समाज के द्वारा संचालित की जा रही है? ये जैन समाज है, कुछ और अन्य लोग हैं उसमें, जैसे सहयोग बनता है वो लोग कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं शहर की जनता से कि वो गौवंश को बचाने के लिए क्या करें? भाई प्रयास तो ये है कि जितना सहयोग उन लोगों से बने वो यहाँ आके करें, जिससे जो बन रहा है कोई भूसा या जो भी हरा। सर्दियों के लिए क्या ऐसा उचित हाँ होता है जो कि आप भिजवा सकते हैं शहर के लोग आपके लिए? हाँ, जैसे गुड़ है, गुड़ तेल जो उनको दिया जाता है, जिससे उनका नाम है पशु को सर्दी नहीं लगती। भूसा गुड़ जी सारी चीजें दी जाए जिससे का नाम उसको सर्दी नहीं लगेगी गाय को। नाम है मेरा रामाधार सिंह कौरव। रामाधार सिंह कौरव, यस। तो आप भी यहाँ गौशाला में सेवा करने के लिए आते हैं? हम भी आगे समय समय पर आते रहते हैं, देखते रहते हैं और जो तन मन धन से जो व्यवस्था बनती है उसको करते रहते हैं, लोगों को आग्रह भी करते हैं। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं शहर की जनता से कि वो किस तरीके से सहायता करें आपकी गौशाला की? शहर की जनता से हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे शहर के लोगों से जितना भी जो भी हो सके, चारा, भूसा, दाना, तेल, गुड़ जो भी हो सके वो यहाँ।